मनीषा बेगम कलकत्ता से लजीज किचन से बोल रही हैं। आज हम आपको एक बढ़िया नाश्ता का डिश बना के दिखाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने एक पैकेट ब्रेड ले लिया है, छोटा वाला ब्रेड का ले लिया, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। ये हमने उसका हिसाब से देखिए 5 पीस हमने हरा मिर्च ले लिया है, ये गोटा धनिया का पत्ता हमने ले लिया इतना सा, इसको धो लिया बढ़िया से सारा चीज। एक टमाटर ले लिया, 5 पीस अंडा ले लिया। अब इसको हम काट के आपको हर चीज दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने धनिया पत्ता बारीक काट लिया है, ये मिर्चा हरा मिर्चा हमने इस तरीका से बारीक काट लिया है इस तरीका से, ये टमाटर भी हमने इस तरीका से काट लिया है, कुची कुची कर लिया है। अब इसमें ये 5 पीस अंडा फोड़ देंगे। देखिए 5 पीस अंडा हमने फोड़ लिया है, अब आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने छोटा चामलेस में 1 चम्मच ये 1 टीस्पून हमने ले लिया नमक, ये दरदरा सा पिसा हुआ लाल मिर्च ये हमने ले लिया है 1/2 चम्मच इसमें से लेंगे, ये दरदरा पिसा हुआ तो इसको भी 1/2 टीस्पून दे देंगे। ये मिर्चा भुना हुआ है इसमें 1/2 टीस्पून दे देंगे, गोलमरीच का पाउडर ये भी भुना हुआ है, ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून दे देंगे, ये भी भुना हुआ भून के ये गुड़ा किया हुआ, ये जीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के देंगे, हल्दी पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून देंगे, 1/2 टीस्पून दिए बचा लिए। तो ये हो गया हमारा मसाला इसमें रेडी, अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। देखिए सारा चीज हम इस तरीका से इसको मिक्स करेंगे। देखिए चूल्हा हमने ऑन कर लिया था, ये पैन हमारा गरम हो चुका है, इसमें ये बटर दे दिए हैं, ये बटर गल चुका है, ये डीप फ्रिज में था टाइट था इसीलिए इसको हम गरम कर लिए। अब इसमें से थोड़ा सा हम निकाल देंगे इस तरीके से, अब इतना सा ही रहने देंगे। यही बटर में आप फुल आंच कर देंगे, फुल आंच में ही ब्रेड हम सब ब्रेड सेकेंगे। ये देखिए बटर हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें 2 पीस आटे चाहे 1 पीस आटे चाहे 3 पीस आटे इसमें सारा ऐसे करके ये टोस्ट दे देंगे इस तरीका से। ये दे दिए, ये जो हमने पैन से निकाला था बटर, ये बटर करछुल में लेंगे और इसी तरीका से इसमें थोड़ा सा छीट देंगे। इसको ज्यादा नहीं सेकना है, इसको हल्का सेकना है। तो ये देखिए 1 पीस हो गया है, इसी तरीके का आप पलट लीजिए इसी तरीके का, तो दोनों साइड हम इसी तरीका का सेक लेंगे बटर से। आप चाहे तो ऐसे भी सेक सकते हैं बिना बटर का। तो ये देखिए ये हो गया है, ये हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फ्लेम लो कर देंगे। इस तरीका से फिर थोड़ा सा बटर
है। अब बिना बटर का आपको तल के दिखाते हैं। ये बिना बटर का, ये धीमी आंच में ही होगा, इसमें फुल आंच नहीं कर सकते हैं, धीमी आंच में कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों का जरिया कर सकते हैं, चाहे चमलेस का जरिया कर सकते हैं, करछुल का जरिया, इस तरीके से थोड़ा दबाते हुए करने से चारों तरफ ये हो जाएगा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से फ्लेम हम हाई कर दिए हैं। ये देखिए इसी तरीके से तलाएगा, ये भी कच्चापन नहीं रहेगा। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से तलेगा। देखिए पैन हमारा गरम है, उसी में हम ये रिफाइन ऑयल इस तरीके से छीट देंगे। थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन ऑयल लेंगे और ये हम लेंगे अंडा जो हमने बना के रखा है मिक्स करके, एक चम्मच इसमें से ले लेंगे। अब इसी में ये ब्रेड बैठाते जाएंगे। साइड जो साइड से जो फेंक रहा है इसको इस तरीके से ब्रेड में चिपकाते जाएंगे। इस तरीके से इस तरीके से चिपकते जाएंगे, फिर इसको पलट देंगे। देख लेंगे जो चारों तरफ हमारा ब्रेड में अंडा लगा है कि नहीं, इसको फिर पलट के हम देख लिए हैं जो सही है। फिर इसमें ऊपर से हम एक चम्मच इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। फिर इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। दो से तीन बूंद ये रिफाइनर चारों तरफ इसी तरीके से फैला लेंगे इस तरीके से। फ्लेम हमारा हाई नहीं है, मीडियम में हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके का सारा ब्रेड बना लेंगे। कम आंच में रहेगा तो हमारा दोनों साइड का जो अंडा है कच्चा नहीं रहेगा। ब्रेड को हमने पहले तल लिया है, जो ये बादी है इसको हम इस तरीके से छांट लेंगे। छांट के एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये हो चुका है। तो इस तरीके से दबाते हुए ये ब्रेड बना लेंगे। तो ये नाश्ता का, ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मसालादार ये नाश्ता का डिश है। ये देखिए कितना परफेक्ट, कितना अच्छा कलर और बहुत अच्छा फ्राई भी हो गया है। इसी तरीका का सारा हमने बना लेंगे। तो ये देखिए फिर एक हम आपको दिखाते हैं। ऐसे करके सारा तेल हम इसमें दे दिए हैं। आप चाहे तो इस तरीका का भी ले सकते हैं, इस तरीका का थोड़ा सा मसाला देते हुए इस तरीका का भी ले सकते हैं, और इसको इस तरीका का चाप के हाथ में बैठा सकते हैं, इसमें कम आएगा। अब ऊपर से भी थोड़ा सा दे के हम इसी तरीका का इसमें फैला लेंगे इस तरीका का। ये फैला लिए हैं, अब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से तेल हमारा कढ़ाई में ही है, पैन में है, सॉरी तेल हमारा पैन में ही है। हम चारों तरफ घुमाते हुए वो तेल इसी में एडजस्ट कर लेंगे।
ये घर में कोई मेहमान आए उसके लिए भी ये बहुत अच्छा डिश है, अपने लिए भी बहुत अच्छा डिश है। चाहे आप खाना में भी खा सकते हैं, चाहे नाश्ता में भी कर सकते हैं। तो हमारा घर में ये खाने में कोई नहीं खाते हैं, नाश्ता में ही नाश्ता करते हैं। शाम का वक्त, सुबह का वक्त, ये नाश्ता के लिए फर्स्ट क्लास नाश्ता है, फर्स्ट क्लास डिश है। तो ये देखिए इसी तरीका का सारा ब्रेड हमने तल लेंगे। तो ये देखिए ये हमने बना लिया है, ये बिना प्याज का हमने बनाया था, अब हम इसमें प्याज देंगे। जो प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए हम प्याज नहीं दिए थे, एक और स्टेप छोड़ दिए थे। ये बिना प्याज का बना हुआ है, आप चाहे तो प्याज देख के भी खा सकते हैं, प्याज देने से और थोड़ा ज्यादा टेस्ट बढ़ता है। तो हमने ये देखिए बड़ा साइज का एक प्याज हमने इस तरीका से कुची कुची कर लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने प्याज देके मिक्स कर दिया है, पहले हमने प्याज नहीं दिए थे। जो प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए वो वीडियो बनाए थे, कहीं के बहुत आदमी प्याज नहीं खाते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, तो इसीलिए हम प्याज पहले नहीं दिखाए, बाद में दिखाए हैं। ये देखिए वही नमक वही मसाला में हमारा प्याज मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं देना होगा। तो चलिए आप फिर प्याज वाला बनाते। ये देखिए हमने तेल दे दिया था, तेल गर्म हो चुका है, फिर हम प्याज वाला ऐसे ही देंगे। अब देखिए ये टोस्ट बैठा के इसी तरीका का हल्का हाथों से इसको चाप देंगे। ये जो तेल है इसको चारों तरफ इस तरीका से घुमाते हुए चारों तरफ से ये तेल हिला लेंगे, हल्का 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 हाथों से। ये देखिए हो गया, ये प्याज वाला है इस तरीका का हो गया है। फिर इसे दिखाने के लिए आपको किए थे, फिर इसको पलट के इसका ऊपर में हाफ चम्मच लेंगे। ये हमारा मिक्स किया हुआ अंडा चारों तरफ से बॉर्डर से लेके पूरा इसको मिक्स कर देंगे और इसको पलट देंगे इस तरीके से। यही तेल में हो जाएगा, तेल अगर जरूरत पड़ेगा तो बगल से आप दे सकते हैं। इस तरीके से तेल देते हुए ये देखिए ये हमारा ब्रेड प्याज वाला हो गया है। दूसरा दिखाते हैं आपको, मसालादार टोस्ट हो गया। ये देखिए ये हमारा लास्ट का बचा हुआ ब्रेड, अब आपको दिखाते हैं। आप चाहे इसका जरिया भी ऐसे करके कर सकते हैं। ये लास्ट का एक पीस ब्रेड बचा हुआ है, इस तरीके से बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा तेल दे देंगे, ये हो गया। फिर इसको इसी में पलट लेंगे इस तरीके से, तेल भी ज्यादा नहीं खाएगा, कम तेल में हो जाएगा। ये लास्ट है, एकदम परफेक्ट, चारों तरफ तेल भी खा दिया, परफेक्ट टाइप का हुआ है। ये देखिए परफेक्ट टाइप का हुआ है, परफेक्ट टाइप का हुआ है। जो पैन में हमने ब्रेड बनाया था वही पैन में हम टोस्ट बनाएंगे। तो ये दे दिए सरसों ऑयल आप चम्मच तकरीबन छोटा चम्मच में, इसको इस तरीके से फैला लेंगे। एक अंडा लेंगे, अब इसको फोड़ देंगे, तो फोड़ दिए हैं, धीमी आंच में बनाएंगे। इसमें एक चुटकी भर नमक ऐड कर देंगे,
एक चुटकी भर गोल मरीच ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सरसों तेल बगल से ऐड करेंगे इस तरीके से। अब इसको फैला लेंगे इस तरीके से, फैला लेंगे। अब इसको पलट लेंगे इस तरीके से, पलट लेंगे। ये हो गया हमारा टोस्ट। फिर इसको पलट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये टोस्ट हमारा बन के पूरा ब्रेड रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको इसी तरीका से भी खा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इस तरीका से इसको काट लगा दीजिएगा इस तरीका से। इसको हल्का हाथों से चाकू को दबाते हुए इसको इस तरीका से काट लगा दीजिएगा। ये बन जाएगा इस तरीका से, ये इस तरीका से बन जाएगा, ये इस तरीका से बन जाएगा। ये देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, ना बड़ा ना छोटा। तो ये देखिए, आ नहीं तो आप इस तरीका से भी खा सकते हैं। तो आपको सजा के पूरा दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रेड हमारा अंडा ब्रेड मसालादार बन के आज का रेडी है। जिस तरीका से हमने बना के दिखाया है उसी तरीका से आप भी बना के खाइए। ये डिनर के लिए भी है, ब्रेकफास्ट के लिए भी है, आप दोनों में यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर खाना है ये, और आप खा के एक बार देखिए। और हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन बटन दबा के जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।